गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ में मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 फ्रैक्शन के चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 13 मल्टीप्लाई यूजिंग रिपीटेड एडिशन के कुछ सम सॉल्व करवाए थे। आज उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए उसके आगे क्वेश्चन नंबर 14 के मल्टीप्लाई आपको सॉल्व करवाएंगे। तो सभी बच्चे अपनी एक नोटबुक निकालेंगे और बुक निकालेंगे, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 मल्टीप्लाई। बच्चों, कल इसमें आपने सिंपली मल्टीप्लाई किया था एडिशन, रिपीटेड एडिशन से, कि उन्हें न्यूमरेटर को और होल नंबर को एक साथ बस मल्टीप्लाई कर दिया था और आंसर आ गया था। आज दूसरे मेथड से हम आपको मल्टीप्लाई करना सिखाएंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन को होल नंबर से, होल नंबर मल्टीप्लाई में मिक्स फ्रैक्शन। तो उसे हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। ए है हमारा 4 मल्टीप्लाई 1 2 बाय 3, तो इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 2 बाय 3, ये आपके डिजिट दे रखी है जिसे आपको मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, ये जो 4 है वो तो एज इट इज लिखते हैं, और जो ये वाली डिजिट है इसे हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। हमने आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर का बताया था कि दोनों डिजिट को, होल नंबर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को प्लस। यहीं पे ऐसे लिखेंगे, मिक्स्ड से इम्प्रॉपर बनाने के लिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हम आपको बता चुके हैं, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई में होल नंबर, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस में क्या हो जाता है, न्यूमरेटर, न्यूमरेटर की वैल्यू प्लस कर दी जाती है और डिनोमिनेटर सेम रहता है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा इसके बाद, 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1 3, और 3 में 2 प्लस किए 5, तो यहाँ आ गया 5 बाय 3। अब हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 4 बाय 5 को, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 3, यही डिजिट है, इन्हें करेंगे 4 5 जा 20, 20 बाय 3, ये हमारा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में करके लिखेंगे। तो मिक्स फ्रैक्शन में हम आपको बता चुके हैं इम्प्रॉपर से मिक्स में कैसे करते हैं, डिवाइड करके, 3 को 20 से डिवाइड करेंगे, 3 की टेबल में 20 नहीं आता, तो 3 6 जा 18, 10 में से 8 गए 2 बचे, 1 में से 1 गया 0, 2 हमारा रिमाइंडर हो गया। यानी कि डिवाइजर को हम लिखते हैं अपॉन में फ्रैक्शन के साइड पे, जो रिमाइंडर होता है वो हो जाता है हमारा न्यूमरेटर, और जो होल नंबर आता है यानी कि क्वेश्चन, वो हो जाता है हमारा होल नंबर। यानी ये मिक्स फ्रैक्शन में क्या बना, 6 2 बाय 3, मल्टीप्लाई करके आंसर आया 6 2 बाय 3। आया आपको समझ में, इसमें जो ये वाली साइड है आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये हमने मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करने के लिए लिखा है। मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में हम आपको बता चुके, डिनोमिनेटर को और होल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर में प्लस कर देते हैं। ऐसे ही अब बी पार्ट हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर बी है हमारा 2 1 बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए भी हम पहले ही से इम्प्रॉपर में करेंगे। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस में 1 किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई प्लस 1, और डिनोमिनेटर सेम मल्टीप्लाई बाय 5, ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 2, 5 5 जा 25, 25 को 2, इसे हम कैसे लिखेंगे यार, 2 को 25 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 2 1 जा 2 आ गया, रिमाइंडर कुछ नहीं, 5 उतारा, 2 2 जा 4, माइनस किया तो 1 बचा, यानी कि 2 यानी डिवाइजर हो गया हमारा डिनोमिनेटर, रिमाइंडर हो गया हमारा न्यूमरेटर, और जो होल नंबर है वो हो गया हमारा क्वेश्चन। तो 12 1 बाय 5 मल्टीप्लाई करके आंसर आया 12 1 बाय 5। आ रहा है ना बच्चों आपको समझ में, सिंपल मल्टीप्लीकेशन ही है ये भी, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। 8 मल्टीप्लाई बाय 3 2 बाय 5 मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में करके उन्हें मल्टीप्लाई किया कर रहे हैं हम लोग। 8 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 अपॉन 5, यह हमारा बनेगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा जब हम इसे सॉल्व करेंगे।
तो ये हो गया 8 मल्टीप्लाई बाय 5 थ्री जा 15, 5 थ्री जा 15 प्लस में 2 17, 17 अपॉन 5। 8 को अब हम 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 को 17 से मल्टीप्लाई, 7 8 जा यानी 8 7 जा 56 की 6 कैरी लगी 5, 8 बन जा 8, 8 में 5 प्लस किए तो 9 10 11 12 13 136, ये हो गया 136 अपॉन में 5। इसे डिवाइड करके देख लेंगे 5 को 136 से, 13 नहीं जाएगा तो ये गया 2 पे, 2 पे 10, 3 का 3 आ गया माइनस करके 6 उतारा, 3 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, माइनस किया 6 में से 5 गए 1 बचा, तो यहाँ क्या हो गया 27 एज होल नंबर, रिमाइंडर हो गया हमारा न्यूमरेटर और डिवाइजर हो गया हमारा डिनोमिनेटर, 27 1 बाय 5 ये आया हमारा आंसर। अब डी है हमारा, एक डी और सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1 बाय 1 9 यानी 3 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1 अपॉन 9, सॉल्व किया 9 वन जो 9 प्लस 9 प्लस 1 10 यानी 3 मल्टीप्लाई 10 बाय 9, ये 9 है डिनोमिनेटर, यानी कि 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया 30, 30 बाय 9 इसे हम कैसे लिखेंगे, 9 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 9 को डिवाइड किया 30 से, 9 की टेबल में 30 नहीं आता पर 3 पे 27 आता है, 3 जा 27, यहाँ पे कैरी लेंगे 10 में से 7 गए 3, 2 बचा 2 में से 2 गए 0, यानी यहाँ हो गया हमारा 3 3 बाय 9 आंसर, 3 3 बाय 9 आंसर। तो आइए आपको समझ में कि हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, आज का आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 14 का ई एफ जी और एच, आपको होमवर्क में करने हैं, खुद से अपनी नोटबुक में सॉल्व करने हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही, सी यू टुमारो, थैंक यू।